हेलो स्टूडेंट, आपने चैप्टर टिशू में टॉपिक पढ़े थे मेरिस्टमेटिक टिशू। मेरिस्टमेटिक टिशू थ्री टाइप्स के, एपिकल मेरिस्टमेटिक और इंटरकैलरी और थर्ड लेटरल, इनके बारे में पता किया था। आज जो नेक्स्ट पढ़ोगे वो है आपका परमानेंट टिशू। परमानेंट टिशू में सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो अपनी एबिलिटी लॉस कर चुके होते हैं। किसकी? डिवाइडिंग की। डिवाइडिंग कैपेसिटी इज लॉस, इनमें हो जाती है परमानेंट टिश्यू। और उनमें डिफ्रेंसिएशन और मैच्योरिटी देखने को मिलती है सेल में। क्या देखने को मिलती है? डिफ्रेंसिएशन, मैच्योरिटी देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? सेल में। उनके पास एबिलिटी जो होती है वो खत्म भी होती है। किसके पास? परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? एक बार दे रखा है सेल्स प्रोड्यूस बोथ द प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। ये जो बनते हैं हमेशा याद रखना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ होता है, सेकेंडरी से बने हुए होते हैं, क्योंकि ओरिजिन वहीं से होता है, क्योंकि डिवाइडिंग कैपेसिटी उन्हीं के पास होती है। ठीक है, वहीं से इनका ओरिजिन होता है। तो ये याद रखना, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो बोल सकते प्राइमरी या सेकेंडरी टिश्यू से बनकर बनी हुई होती है, मेरिस्टेम से बनी हुई होती है। कौन बना हुआ होता है? परमानेंट टिश्यू। किससे? प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एबिलिटी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी में, क्या होती है? एबिलिटी होती है किसकी? कंटिन्यू डिवीजन की। लेकिन परमानेंट में होते हुए क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। किसकी? डिवीजन की एबिलिटी होती है। देखते हैं एक बार, सेल प्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम स्टॉप डिवाइडिंग। अभी मैंने बताया था इनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो स्टॉप हो जाती है। और सेल में क्या देखने को मिलता है? डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरली उसकी और फंक्शनली। उनमें क्या देखने को मिलता है? डिफरेंशिएट मतलब, और उनमें मैच्योरिटी देखने को मिलती है। क्लियर है? अब ये क्या होते हैं? परमानेंट में बताया थी आपको, परमानेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो परमानेंट हो जाती है फंक्शन की, और उनकी उनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक में तो चेंजेस देखने मिल जाते हैं, लेकिन परमानेंट में कोई चेंजेस नहीं देखने होते, वो परमानेंट हो जाते हैं। इसके बाद परमानेंट में आती है सबसे पहले सिंपल परमानेंट, और उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। मतलब कि वन टाइप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं या सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। देखते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ ओनली वन और सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, जो मैंने अभी बताया था। क्लियर है? इसके बाद ये थ्री टाइप्स के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू: पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा। पेरेंकाइमा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल, ओवल शेप और पॉलीगोनल शेप में होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेल वॉल से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल वॉल से बनी होती है। इनमें या तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, नहीं होगा तो बहुत स्मॉल होगा। किसमें? पेरेंकाइमा सेल में। देख सकते हैं आप, ये आपको दिखा है इंटरसेलुलर स्पेस, दे रखा है इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो होता है इनमें या तो होगा नहीं होगा तो बहुत स्मॉल या बहुत छोटा दिखाई दे रहा है इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है? और इनके पास कुछ एबिलिटी होती है, कुछ चेंजेस आते हैं। अगर इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाता है किसमें? सेल में। किसमें? पेरेंकाइमा सेल में। तो हम उसे क्लोरेंकाइमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लोरेंकाइमा, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर उसमें प्रेजेंट कुछ होती है, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एरेंकाइमा बोलाता है। क्या बोलाता है? एरेंकाइमा, जो बायोप्सी और प्लांट में हेल्प करता है। मतलब कि प्लांट जो होता है, एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जब उनमें एयर स्पेस प्रेजेंट होगा, एरेंकाइमा कहलाती है वो। पेरेंकाइमा का सेल क्या कहलाती है? एरेंकाइमा, जिनमें एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? प्लांट जो होते हैं कौन से? एक्वाटिक, वो फ्लोटिंग करने में हेल्प मिलती है, इसलिए बायोसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोसेंस। इन प्लांट में देखने को मिलता है। और भी उसकी कुछ फंक्शन है, स्टोरेज, सीक्रेशन। सीक्रेशन जैसे कि ऑयल का सीक्रेशन करना, ठीक है, और नेक्टर का सीक्रेशन करना है। ये कुछ इसके फंक्शन है।
किसके पेरेंट एटम का सेट है। क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट अगर सेल में तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा सीधी सी बात है वो प्रोसेस आप जानते हो स्टोरेज, और जब क्या होगा फूड मैन्युफैक्चर होगा, क्लियर है। और इसके साथ साथ इसमें स्टोरेज एबिलिटी होती है, स्टोर भी करता है फूड को, सीक्रेशन भी करता है, क्लियर है। और मैंने अभी बताया था ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, कैसे होते हैं थिन वॉल्ड, याद रखना कैसे होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, कौन पेरेंट एटम इंटरसेलुलर स्पेस या तो फ्यू होगा सम होगा या होगा ही स्मॉल होगा, क्लियर। एक बार चेक करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था पेरेंट एटम मोस्टली पार्ट में देखने मिलता है, किसमें देखने मिलता है, प्लांट के मोस्टली पार्ट में देखने मिलता है, क्लियर याद रखना आपको। मोस्टली ये मैंने बताया था स्फेरिकल शेप हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, इसके साथ साथ इनकी शेप एलोंगेटेड भी हो सकती है, क्लियर है। सेल में भी स्फेरिकल, ओवल, ओवल राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड शेप, क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बताया था आपको इनकी सिर्फ सेल वाली होती कैसी होती है, थिन होती है, क्लियर है, किससे वाली होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और ये जो होती है क्लोजली पैक्ड होती है या तो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे या इसमें क्या होगा देखने को मिलेगा कि स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, क्लियर है। फंक्शन मैंने भी बताया था स्टोरेज फंक्शन है, जो फूड है कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टोर करना, बायोसेंस मैंने बताया था फ्लोटिंग ऑफ प्लांट में हेल्प करना, कौन से प्लांट एक्वाटिक फोटोसिंथेसिस में बताया था, इसकी वजह से बताया था मैंने अभी आपको क्या हो जाता है क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। इसके बाद सीक्रेशन भी बताया था नेक्टर एंड ऑयल, ये कुछ इसके फंक्शन होते हैं, क्लियर है। इसके बाद सेकंड टिश्यू आता है क्लोरेंकाइमा, सॉरी कोलेंकाइमा, क्या आता है कोलेंकाइमा, कोलेंकाइमा एक टिश्यू होता है, याद रखना कोलेंकाइमा क्या होता है टिश्यू जो उनमें अनइवनली क्या होती है थिकनिंग सेल वॉल देखने को मिलती है, वो तो थिक थी पेरेंकाइमा की, इसकी थिक होंगी अनइवनली, मतलब कि कहीं कहीं से कहां से कॉर्नर से देखने मिलेगी, कहां से देखने मिलेगी कॉर्नर से, जैसे ये कॉर्नर है यहां पर इसकी क्या होगी थिकनिंग देखने को मिलती है, किसकी किसकी थिकनिंग देखने मिलती है सेल वॉल थिकनिंग देखने को मिलती है, किसकी बनी होती है सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, मतलब डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से उसमें थिकनिंग आती है, किसमें आती है सेल वॉल में, किसकी सेल वॉल में कोलेंकाइमा की सेल वॉल में, क्लियर, किसकी वजह से सेलुलोज सेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन के कारण, क्लियर है। देखते हैं इसमें इसकी शेप की वही आती है, स्फेरिकल शेप होती है, ओवल शेप होती है, पॉलीगोनल भी शेप होती है, ठीक है। देखते हैं इसमें कोलेंकाइमा सेकंड कौन सा, कोलेंकाइमा सेल्स आर ओवल शेप हो सकती है, स्फेरिकल शेप होती है, पॉलीगोनल भी हो जाते हैं, पॉलीगोनल तो आप जानते हो मैथ में जो पॉली मतलब कई और गोनल मतलब जो कॉर्नर होते हैं उसमें देखने को मिलती है। इसके बाद इसकी सेल वॉल मैंने बताया था थिक होती है अनइवनली थिक, मतलब कि कहीं कहीं से मतलब कि कॉर्नर से होती है, तो किसके कारण होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, ये किसके कारण होती है डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन के कारण थिकनिंग देखने को मिलती है। उस सेल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, और जो सेल में कोलेंकाइमा के सेल से क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है वो क्या काम करते हैं, मैंने अभी बताया था वो काम करते हैं किसका फोटोसिंथेसिस, याद रखना उस सेल में होती है कोलेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, और उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है वो फोटोसिंथेसिस भी करती है। इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, आपको कहीं दे रखा है इंटरसेलुलर स्पेस आपको कहीं दे रखा है, इसमें नहीं दिख रहा ना, उसमें तो दे रखा है दिखाया ना आपको, देखो पेरेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस है लेकिन इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, क्या सेल के बीच में नहीं है ना, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, याद रखना इसमें कोलेंकाइमा सेल्स में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलता है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद जो थर्ड इसके फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, क्या देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, ये रखा है इसमें मैकेनिकल सपोर्ट मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखना उसको, कोई बाहर से इंजरी होती है उसको सपोर्ट मतलब उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना, ये मैकेनिकल सपोर्ट, उसे इलास्टिसिटी ना, इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देना, मतलब कि देखा होगा आपने पेट्रोल देखा है पेट्रोल लीक का पेट्रोल, देखो ये लीक है ठीक है, वहां पर
ये लीफ वेजिटेबल जो होता है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पोलन ग्राइनम। क्या देखने को मिलेगा? पोलन ग्राइनम। आप जब लीफ वेजिटेबल को देखेंगे ना, कर्व हो जाएगा, मतलब पूरा प्लास्टिसिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं दिखता। और कहां पर? मिड्रिप में। कहां पर? मिड्रिप में। क्लियर है? मिड्रिप में देखने को मिल जाता है, स्टेम में देखने को मिलता है। इसके भी कुछ ना कुछ ऐसे काम रहते हैं। देखो ये कहां नहीं देखने को मिलता, कहां नहीं देखने को मिलता, रूट में नहीं देखने को मिलेगा, या तो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। क्लियर है? मोनोकॉट में तो मिलेगा ही नहीं दूर से कहीं भी। कहां देखने को मिलेगा? डाइकॉट में देखने को मिलेगा। और डाइकॉट में भी इसके लकड़े होते हैं, कहां? स्टेम या पेटियोल में देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा? डाइकॉट में। कहां? स्टेम में, रूट में फिर भी नहीं। ठीक है, इसके भी लकड़े होते हैं। क्लियर है? तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, प्लांट बॉडी में, स्टेम और पेट्रोल में, और लीव्स में देखने को मिलता है, लीव्स की पेट्रोल में देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया था स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, इसकी वजह से कॉलन काइमा की वजह से। ठीक है, कॉलन काइमा की वजह से इसे मजबूती देखने को मिलती है, क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से आपने देखा हो वो पार्ट होता है इतनी आसानी से नहीं टूटता। किसकी वजह होती है? वो कॉलन काइमा की वजह से। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा वो सेल क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं क्या होगा? मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। तो याद रखना ये मेन फंक्शन क्या है इसका? मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्लियर है? मेन फंक्शन याद रखना है, मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। और इसके साथ साथ क्या है? इलास्टिसिटी के बाद मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी हो गया। क्लियर? और स्ट्रेंथ। क्लियर है? प्रॉब्लम इसके बाद आता है थर्ड है, स्क्लेरेटाइमा टिश्यू। कौन सा है? स्क्लेरेटाइमा। याद रखना ये जो सेल्स होती है दोनों, पेरेंटाइमा और कोलेंटाइमा, ये लिविंग सेल होती है। लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? पेरेंटाइमा और कोलेंटाइमा जो होता है वो लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि स्क्लेरेटाइमा जो होता है डेड सेल से। क्यों डेड सेल? क्योंकि इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो लॉस हो जाता है। कब? मैच्योरिटी के टाइम पर। ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पर प्रोटोप्लास्ट होता है इसका लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये डेड फॉर्म में होती है। क्लियर है? देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये लॉन्ग होती है, नैरो होती है। ठीक है, लॉन्ग नैरो कुछ होती है, स्पेरिकल भी देखने मिल जाती है, स्पेरिकल शेप में। इनकी जो सेल वॉल होती है उस पर लिग्निन डिपॉजिट होता है। क्या होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है, इसलिए इनकी सेल वॉल होती थिक होती है और लिग्निफाइड होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है सेल वॉल पे। क्लियर है? इसके बाद ये डेड बॉडी में होती है, कब होती है? मैच्योरिटी के टाइम पर, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? ये भी टू टाइप्स की होती है, एक फाइबर्स और एक स्क्लेरेट्स। वन फाइबर, सेकेंड स्क्लेरेट्स। अगर फाइबर की बात करें, फाइबर होता है थिक वॉल्ड होता है, एलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड होता है। एलोंगेटेड पॉइंटेड देखो आपको देखने को मिल रहा है, ये फाइबर की स्ट्रक्चर। किसकी फाइबर की है? ये एलोंगेटेड है, पॉइंटेड है, ये है या नहीं है? क्लियर है? इसके बाद ये जो होता है क्या फंक्शन करता है? स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना ये फंक्शन क्या करता है? स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखोगे क्या फंक्शन इसका? स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जो होता है चाइलम और फ्लोएम के बराबर में सीथिंग का काम करता है, जो उसकी वजह से प्लांट जो स्टेम होती है उसको क्या देता है? वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जो क्या करता है? जो हवा होती है, तूफान होता है, उसकी जो क्या होती है? स्ट्रेस जो होती है उसको क्या कर जाता है? ये जो होता है टॉलरेट कर जाता है, सहन कर जाता है, वो टूट नहीं पाता है। किसकी वजह से? इस फाइबर की वजह से। क्लियर है? फाइबर का फंक्शन पता चल गया, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखोगे कहां पर देखने मिलता है? ये जाइलम और फ्लोएम की सीप पर देखने मिलता है, आउटर कवरिंग में होती है। जाइलम फ्लोएम होते हैं किसी स्टेम के अंदर, स्टेम के अंदर जाइलम फ्लोएम जो होते हैं उसकी आउटर कवरिंग होती है, सीप होती है, वो किसकी? फाइबर की हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्लेरेट। स्क्लेरेट जो होता है स्फेरिकल शेप में हो सकता है, ओवल शेप में, सिलैंडरिकल शेप में हो सकता है। याद रखना ये कैसे शेप में हो सकता है? स्फेरिकल, ओवल और सिलैंडरिकल शेप में देखा जाता है, जबकि वो क्या है?
फाइबर जो था वो नैरो और पॉइंटेड देखने में मिलता है। इसमें याद रखना है, इसमें क्या होता है, नैरो ल्यूमन जो होता है, स्पेस होता है इसके अंदर, जो ल्यूमन वो होते हैं बहुत नैरो। इसमें याद रखना प्रोटोप्लास्ट जो होता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है, स्केलेटन डायग्राम प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लियर है, हम सब पता चल गया आपको फाइबर का प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्रूट में देखने मिलता है, फ्रूट जैसे कि बोल सकते हैं फ्रूट बॉल, जैसे नट है, फल और गवावा, पियर्स और सैपोटा फ्रूट जो होते हैं देखने मिलता है। कैसे, तुमने देखा है ग्रीटीनेस जो होती है इनमें, कुछ जो होते हैं फ्रूट दाने दाने से दिखाई देते हैं, कुछ सीड जो होते हैं ऊपर कवरिंग जो कोट होती है दाने दाने से दिखाई देते हैं, देते हैं ना हल्के हल्के से, और दाने दाने से हल्के से दाने दाने से दिखाई देते हैं कुछ फ्रूट में पियर्स देखोगे तो। ग्रीटीनेस जो आती है किसके कारण आती है, वो आती है स्क्लेरिटी के कारण। इसके कारण स्क्लेरिटिस के कारण जो ग्रीटीनेस दाने दाने से हमें दिखाई देते हैं कि ग्रिट जैसे देखा ना, उस जैसे दाने जो दिखाई देते हैं वो हमें किसके कारण आती है, इसके लिए देखने को मिलता है कहाँ पर, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ गवावा, पियर्स एंड सपोर्टर फ्रूट में, और इसके साथ साथ लीव्स ऑफ ट्री में देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बताया है, दे प्रोवाइड ग्रीटीनेस, ये जो होते हैं ग्रीटीनेस प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर, ये तो रहा आपका कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, इस तरह की कुछ ऐसे भी हो जाती है, कुछ होती है इस तरीके से होती है, इस तरीके से देखने मिलती है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या देखने मिलती है, वो देखने मिलेगी किसकी स्ट्रक्चर, स्केलेटन से डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर देखने मिलती है, लेकिन मोस्टली क्या बोलते हैं उसे, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल या बोल सकते हैं आप क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं, कुछ देखने को मिल जाता है इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इनके फंक्शन भी पता चलते हैं, स्केलेटन का फंक्शन प्रोवाइड ग्रीटीनेस, फाइबर का फंक्शन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, कहाँ पर प्रेजेंट होता है मैंने बताया, जाइलम ऑफ फ्लोएम के सीट बना के रखता है आउटर साइड में होता है, और आपको कोलन डायग्राम का फंक्शन पता चल गया, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस काम करता है कहाँ का, जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेंथ मैंने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी देखने मिलती है किसकी वजह से, कोलन डायग्राम टिश्यू की वजह से, कहाँ पर देखने मिलती है मैंने बताया था, पेरेंटाइमा का फंक्शन बताया था आपको, स्टोरेज बायोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में काम करता है, ठीक है, ये रहेंगे फंक्शन। और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इज दैट क्लियर।